नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों, जानते हैं 29 जून के इतिहास के बारे में। आज ही के दिन भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये दिन 1883 में आज ही के दिन जन्मे महान प्रोफेसर पीसी महानालोबिस के जन्मदिन पर उनके स्टैटिस्टिक्स में दिए गए योगदान के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि इसके अलावा साल 1968 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। साल 1858 में आज ही के दिन अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि उन्हें दो समुद्रों को जोड़ने वाले पनामा प्रोजेक्ट को तय समय से 2 साल पहले ही पूरा करने के लिए पहचाना जाता है। आज ही के दिन साल 1861 में हिंदी के पहले तिलिस्मणि लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि देवकी नंदन ने भूतनाथ और चंद्रकांता जैसी रचनाएं की हैं। हालांकि उनकी लिखी रचना भूतनाथ को उनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। हिंदी के शब्द तिलिस्म को मशहूर बनाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। साथ ही हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इनकी लिखी रचना चंद्रकांता का काफी योगदान है। साल 1888 में आज के दिन दुनिया के सबसे पुराने संगीत की रिकॉर्डिंग की गई थी। आपको बता दें कि इस संगीत को मिस्र में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग जॉर्ज फ्रेडरिक ने की थी। साल 1931 में आज के दिन पद्म विभूषण से सम्मानित पीके अयंगार का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि पीके अयंगार वाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे और इसी के साथ पोखरण में हुए पहले शांति परमाणु परीक्षण की सफलता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1961 में आज के दिन मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह का निधन हुआ था। आपको बता दें कि बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री भी थे। जून 1942 से सितंबर 1946 तक आजादी से पहले संयुक्त पंजाब सरकार में विकास मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश के विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र बलों के विभाजन व कश्मीर घुसपैठ को रोकने में भी भूमिका निभाई थी। आज ही के दिन साल 2008 में दुनिया में पहली बार किसी पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया था। आपको बता दें कि थॉमस नाम का ये शख्स अमेरिका का रहने वाला था। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़े कुछ खास तथ्य और जानकारी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।